इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं दुनिया की तीसरी पावरफुल कंट्री की, जिसका मुकाबला करने के लिए अमेरिकन और यूरोपियन किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जिस कंट्री ने भी इसका साथ देने की कोशिश की, वहाँ की हुकूमतें अपोजिशन खरीद कर बदल दी गईं। हालिया दिनों श्रीलंका, कुवैत और अब पाकिस्तान में इसकी मिसालें देखने को मिली हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस कंट्री में 6 मुस्लिम रिपब्लिक के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में यकीनन आप नहीं जानते होंगे। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वश आत के शोखस जो भली कर आया, उखैर रागले मरहबा जी आयनो खुश आमदीद और वेलकम। रशिया या रूस, जिसे सरकारी तौर पर रशियन फेडरेशन कहा जाता है, शिमाली यूरेशियाई कंट्री है। रूस की जमीनी सरहदें नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और शिमाली कोरिया से मिलती हैं, जबकि इसकी आबी सरहदें जापान से बवास्ता बहिरे अखोसक, रियासत हाय मुतहिदा अमेरिका की रियासत अलास्का से बवास्ता आबनाए बेरिंग और कनाडा के बहरे मुजमिन शमाली के जजायर से मिलती हैं। 1,70,98,242 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैला ये कंट्री दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, जो अमेरिका से भी 1.8 गुना बड़ा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, इसकी आबादी 14,43,00,000 है, जो इसे दुनिया में 9वें नंबर पर आने वाला मुल्क बनाती है। रशिया की आबादी में सबसे ज्यादा 77.7% रशियन नस्ल, 3.7% ततार, 1.4% यूक्रेनी, 1.1% बशकेर, 1% चाओवाश, 1% चेचन, बाकी दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। इसकी सरकारी जबान रशियन है। मुल्क का कैपिटल मास्को है और ये मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला सिटी भी है। दारुल हुकूमत का नाम इसलिए मास्को रखा गया कि ये शहर दरिया मास्को के किनारे पर बसाया गया था। दरिया मास्को 473 किलोमीटर लंबा है। मास्को रिवर पर जहाज रानी की जा सकती है। मौसम सरमा में इसका पानी जमकर आधे मीटर चौड़ी बर्फ की तह बना देता है। नहरों के जरिए दरिया मास्को को 5 समंदरों से मिलाया गया है। यू मास्को एक बड़ी बंदरगाह बन गया, अगरचे वो समंदरों से बहुत दूर वाके है। आबी रास्ते से शहर मास्को में हर रोज लाखों टन साजो सामान पहुंचाया जाता है और ये दारुल हुकूमत की जीनत है। इस पर कई पुल हैं और सभी पुल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दरिया मास्को के किनारों पर आराम और तफरी करना मास्को के बाशिंदों का पसंदीदा तरीन मशगला है। कुछ लोगों के लिए स्टीमर में सवार होकर दरिया की सैर करना बहुत अच्छा लगता है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक रूस के सिर्फ 5% शहरी ही कभी कभार गैर मुल्की सफर करते हैं, जबकि ज्यादातर रूसी अपने ही मुल्क में सियाहत करना पसंद करते हैं। जहां तक रूसी सियाहों में रूस के मकबूल तरीन शहरों का ताल्लुक है, तो पहला मुकाम दारुल हुकूमत मास्को है, जिसके बाद दूसरा बड़ा शहर और साबिक दारुल हुकूमत सेंट पीटरबर्ग है। फिर बहिरे अस्वद के साहिल पर वाके शहर सूची है। रिपब्लिक तातारिस्तान का दारुल हुकूमत काजान चौथे नंबर पर आता है और 5वें नंबर पर सूबा कालिन गराद का मरकजी शहर कालिन गराद आता है। मोहतरम नाजरीन कराम, रशिया दरअसल एक बहुत मतनू मुल्क है, जिसमें बहुत से मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। रशियन फेडरेशन 85 वफाकी इकाइयों से मिलकर बना है, जिसे 5 मुख्तलिफ कैटेगरियों में तकसीम किया गया है। लेकिन इतनी स्टेट के बारे में बताना एक ही वीडियो में मुमकिन नहीं। आज हम आपको इसकी मुस्लिम रिपब्लिक के बारे में बताएंगे। रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया बहिरे अस्वद के शुमाली साहिल पर वाके है। इसे जमहूरिया क्रीमिया का नाम दिया गया है। ये इलाका 1475 से लेकर 1774 तक सल्तनत उस्मानिया का बाज गुजार रहा, जिसके बाद 1783 में सल्तनत रूस ने इस पर कब्जा करके खानान क्रीमिया की हुकूमत का खात्मा कर दिया। ये इलाका मुस्लिम अक्सरियती था, लेकिन ज़ार रूस और सोवियत इतिहाद के अहद में यहाँ मुसलमानों का कत्ले आम किया गया या क्रीमियाई तातारियों को जबरी मुल्क बदर कर दिया गया।
अब मुसलमान यहाँ अकलियत में हैं। 5 अक्टूबर 1992 को सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद क्रीमिया ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया, लेकिन यूक्रेन ने इस पर कब्जा कर लिया। 2014 में यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेनी सदर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद मुल्क गिर एहतजाज का आगाज किया, जिसमें सियासतदानों को खरीदा गया, यहाँ तक कि गैर मुल्की सफीर एहतजाज में खूब माल बांटते रहे। आखिर सदर को मुल्क छोड़कर बेलारूस जाना पड़ा और एक कमेडियन मुल्क का सदर बना दिया गया। रशिया ने इसे अपनी शिकस्त समझा और क्रीमिया की आवाज पर लबैक कहा और क्रीमिया में फौज उतार दी और क्रीमिया ने यूक्रेन से आजादी हासिल कर ली और आज खुद मुख्तार जमहूरिया क्रीमिया है। क्रीमिया का कुल रकबा 26,200 मरबा किलोमीटर और आबादी 24,16,856 अफराद है। क्रीमिया का दारुल हुकूमत सेम्फेरोपोल है। मुल्क की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद की तामीर रवां साल के आखिर तक सेम्फेरोपोल में मुकम्मल किए जाने का मंसूबा है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान को मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेने की दावत दी जाएगी। इस मस्जिद में 2600 नमाजियों के लिए जगह होगी। क्रीमिया का फ्लैग 3 कलर से मिलकर बना है, टॉप स्काई, सेंटर वाइट, बॉटम रेड कलर की पट्टियों से बना है। रशिया की दूसरी मुस्लिम रियासत का नाम रिपब्लिक ऑफ कबार्डिनो बल्गेरिया है। शुमाली काफकाज में वाके रूस की रिपब्लिक है। इसका ये नाम यहाँ की कबार्डिनो बल्गेरिया नस्ल की आबादी की वजह से रखा गया है। इसका कैपिटल सिटी नालचक है, जो लार्जेस्ट सिटी भी है। इसकी आबादी 3,00,000 के करीब नफूस पर मुश्तमिल है। कबार्डिनो बल्गेरिया की आबादी तकरीबन 8,65,000 है। मुल्क की 55% आबादी मुस्लिम और 15% मशरकी आर्थोडॉक्स की है। 10% ला मजहब हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रूसी कबार्डिनी बल्कार है। इसका कुल रकबा सिर्फ 12,500 मरबा किलोमीटर है। इसका फ्लैग स्काई वाइट ग्रीन कलर की 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियों से मिलकर बना है और 1936 में इसे रिपब्लिक का दर्जा मिला था। इसकी तीसरी मुस्लिम रियासत का नाम रिपब्लिक ऑफ कराचे चेरकेसिया है। ये मुस्लिम अक्सरियत वाली रशिया की रियासत है। ये जनूब में कफकास के पहाड़ी सिलसिले में रियासत जॉर्जिया के साथ वाके है। इसका कैपिटल काराचेस्किया है और ये लार्जेस्ट सिटी भी है। 14,200 मरबा किलोमीटर पर फैले दारुल हुकूमत की आबादी 5,00,000 के करीब है। कराची लोगों की कुल तादाद 2,25,000 है, जिनमें से 2,18,000 रूस में रहते हैं। कराची कौम की तश्कील 13वीं सदी में हुई। 19वीं सदी में कराची कौम की सरजमीन रूसी रियासत में शामिल कर ली गई। 16वीं सदी में कराची लोगों में इस्लाम फैलने लगा और अब ज्यादातर कराची लोग सुन्नी मुसलमान हैं। चरकेस लोगों की कुल तादाद 80,000 है और ये मुल्क की सबसे कदीम कौमों में से एक है। चरकेस लोग अपनी दलेरी के लिए बहुत मशहूर हैं। पुराने जमाने में चरकेस लोगों का बुनियादी काम भेड़े बकरियां और घोड़े पालना था। इसका फ्लैग आसमानी सब्ज और सुर्ख रंग की 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियों से मिलकर बना है। रिपब्लिक ऑफ बशकोरतस्तान, जिसे बशकेरिया भी कहा जाता है, रशिया की खुद मुख्तार मुस्लिम रियासत है, जिसकी 86% आबादी मुसलमान है। वोल्गा रिवर और यूराल पहाड़ी सिलसिले के दरमियान वाके है। इसका रकबा 1,45,600 किलोमीटर है, यानी ये यूनान के कुल रकबे से भी बड़ी रियासत है और रूस की 27वीं बड़ी रियासत है और इसकी कुल आबादी 4.2 मिलियन से जायद है। इसका दारुल हुकूमत उफा है। दारुल हुकूमत की आबादी 1 मिलियन है। बाशकोरतस्तान में सेवन गर्ल नाम की नदी भी है। इसकी वजह वो 7 लड़कियां थीं जिन्होंने इज्जत बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। इसका फ्लैग नीले सफेद और सब्ज रंग की 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियों से मिलकर बना है। सेंटर में कौमी फूल बना है। 25 फरवरी 1992 को इसे अडॉप्ट किया गया। यहाँ कापर और तेल के वसी जखायर मौजूद है। रिपब्लिक ऑफ इंगशिशिया, और कुछ लोग इसे इंगुश्तिया समझते हैं और पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसकी 96% आबादी मुसलमान है। यहाँ इमाम शाफी के पैरोकारों का गलबा है। इसका रकबा 3,628 किलोमीटर है। इंगशिशिया की कुल आबादी 4,90,000 है। ये चेचनिया का हिस्सा था, लेकिन अंगोश नस्ल के लोगों ने चेचन के साथ रहने से इनकार कर दिया। इसका कैपिटल मगासा है। इसकी बुनियाद 1995 में रखी गई। 2002 में इसे नजरान की जगह कैपिटल का दर्जा दिया गया।
मगास रूस में वफाकी रियासतों का सबसे स्मॉलेस्ट कैपिटल भी कहलाता है। दारुल हुकूमत में सिर्फ 9000 के करीब अफराद रहायश पजीर हैं। इसका फ्लैग टॉप बॉटम ग्रीन सेंटर में वाइट कलर से बना है। रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान रूस की रिपब्लिक रियासतों में से एक रियासत है। 13वीं सदी में ततारों का नाम दुनिया भर में उस वक्त गूंज उठा जब ततार मंगोल कौम ने रूस के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपनी सल्तनत कायम की। इस वक्त ततार रूस में बसने वाली दूसरी बड़ी कौम है जिनकी तादाद 50 लाख से ज्यादा है, जिनमें 36% ततारिस्तान में रहते हैं। ततारिस्तान का दारुल हुकूमत काजान शहर है जो रूसी रियासतों का छठा बड़ा शहर और ततारिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 13 लाख के करीब है जो कि इस मुल्क की एक तिहाई बनती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क की 50% आबादी नौजवान नस्ल है जो मुल्क की 40 से ज़ायद यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं। इसी वजह से इस रियासत में शरा खानदी 100% है। ततारिस्तान में इस्लाम 922 ईस्वी में अरब मुबल्लिगीन के जरिए पहुंचा। ततारिस्तान को 1550 में ज़ार रूस मौजूदा ग्रोजनी की फौजों ने फतह किया। ततारी मुसलमानों की आबादी के तीसरे हिस्से को ततेह कर दिया, कुछ को बजोर शमशीर मसीही बना लिया गया। काजान की सबसे खूबसूरत मस्जिद मस्जिद कुल शरीफ है। इसकी कदीम इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुकी थी। नई इमारत कहीं जाकर 2005 में तामीर की जा सकी। मस्जिद की दीवारें सफ़ेद और गुंबद नीला है। ततारिस्तान में आम तौर पर ततारी जबान बोली जाती है जो 93% की जबान है। 7% रूसी जबान भी बोली जाती है। ततारिस्तान का कुल रकबा 68,000 मरबा किलोमीटर है। ततारिस्तान का झंडा दो रंगों सब्ज और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है। ततारिस्तान की ज्यादा आबादी मुसलमान है जो कुल आबादी का 39% है। मुल्क में ऑर्थोडॉक्स मसीही दूसरा बड़ा मजहब है। क्रैशियन ततार और बुद्धमत के पैरोकार भी खासी तादाद में आबाद है। खाम आयल की पैदावार में ततारिस्तान रूस की तीसरी बड़ी रियासत है। ततारिस्तान के तमाम शहरों में हलाल फूड दस्तयाब है। मुल्क में मौसम सारा साल सर्द ही रहता है। एवरेज टेम्परेचर 4 सेंटीग्रेड रहता है। रिपब्लिक ऑफ देगिस्तान दागिस्तान, जिसे रशियन जुबान में रेस्पब्लिका देगिस्तान कहा जाता है। दागिस्तान का दारुल हुकूमत मखचकाला है जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर भी है। इसकी आबादी 5,96,000 अफराद है। इसकी कौमी जुबान रशियन है। इसके अलावा 30 के करीब मकामी जुबानें और आगा अजरबैजानी चेचन दरगन कमक वगैरह आबादी के हिसाब से बोली जाती हैं। इसका झंडा सब्ज नीले और सुर्ख रंग की 3 हॉरिजॉन्टल लाइन की शक्ल में है। दागिस्तान का कुल रकबा 50,300 किलोमीटर यानी 19,400 मरबा मील है। दागिस्तान में 83% मुसलमान, 2.4% रशियन ऑर्थोडॉक्स, बाकी दीगर मजाहब के मानने वाले लोग रहते हैं। दागिस्तानी अक्सरियत सल्फी मुसलमान है और सदियों से हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं। मुल्क में 3,000 से ज्यादा मसाजिद हैं। यहाँ नक्शबंदिया और कादरिया सिलसिले के लोग भी मौजूद हैं। दागिस्तान की कुल आबादी 30,64,394 अफराद पर मुश्तमिल है। कैस्पियन समंदर तेल से माला माल है जिसका 70% साहिल दागिस्तान में शामिल है। दारपंत सासानी कला के तौर पर मशहूर है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुछ लोगों का मानना है दारपंत ही वो दीवार है जहां याजूज माजूज को कैद किया गया है। मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर खुबेब नोर्मागोदोव, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, इनका ताल्लुक भी दागिस्तान से है। इन्होंने $10 करोड़ की ऑफर इसलिए ठुकरा दी थी कि मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं आइंदा कोई फाइट नहीं लड़ूंगा और मैं अपनी माँ से किया गया वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। दागिस्तान पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। कोकाफ का जिक्र तो आपने बचपन में बहुत सी कहानियों में सुना होगा, लेकिन शायद आपको मालूम न हो कि कोकाफ असल में है कहाँ। रिपब्लिक ऑफ चेचनिया शुमाली कफकाज के मशरक और मशरकी यूरोप के जनूबी हिस्से में वाक़ एक छोटा सा इस्लामी खित्ता है। चेचनिया का दारुल हुकूमत ग्रोजनी है और इसकी कौमी जबान चेचन है। ये नक्श कबीले से तल्लक रखते हैं जो नीली आंखों वाले हैं। चेचनिया की कुल आबादी 14,50,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क का सबसे आबादी वाला शहर ग्रोजनी है जिसकी आबादी 3 लाख है।
चेचनिया में 95% मुसलमान 5% दीगर मजाहब के मानने वाले हैं। चेचनिया के मौजूदा सदर रमजान कादिरोफ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं। चेचनिया का कुल रकबा 17,300 किलोमीटर यानी 6,700 मील है। टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। चेचनिया की करेंसी सोम और रशियन रुबेल है। चेचनिया में मौसम मोतदिल ऊंचे पहाड़ी सिलसिले की वजह से मौसम खुशगवार रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक चेचनिया में 15,000 से जायद ऑयल रिफाइनरी हैं। चेचन लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां तसव्वुर किया जाता है। शादियां वालदैन की रजामंदी से अपने कबीलों में की जाती हैं। दुल्हन सफ़ेद गाउन से सजी होती है जबकि एक सिल्वर बेल्ट कमर पर होती है जो कि माँ की जानिब से बेटी को दी जाती है। चेचनिया में एक से ज़्यादा शादियाँ करना आम है। कोकाफ जिसको कफकाज भी कहते हैं, अंग्रेजी में कॉक्सिस माउंटेन कहते हैं। बहीरे अस्वद और बहीरे कस्पेन के दरमियान कोकाफ का पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया और यूरोप को जुदा करता है। कोकाफ के मुतल्लक जिन्नों और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं। हो सकता है इसमें कुछ सदाकत भी हो लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है इसमें कितनी सच्चाई है। चेचन झंडे में 3 रंग हैं। सफ़ेद रंग अमन पसंदी की अलामत है, सुर्ख रंग शहदा की याद में और सब्ज़ रंग इस्लाम की अलामत को जाहिर करता है। रूस के बिजली घर। रूस में बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल हैं यानी बड़े दरिया, तेल, गैस और कोयला जिनसे बिजली की पैदावार बनाई जा सकती है। पिछले साल रूसी बिजली घरों में 992 अरब किलोवाट फी घंटा बिजली की पैदावार हासिल की गई। ये रूसी मईशत की जरूरियात पूरी करने के लिए लाजमी मकदार से भी कहीं गुना ज्यादा है। आज रूस में तकरीबन 700 थर्मल और पन बिजली घर मौजूद हैं। रूसी बिजली घरों की मजमुई पैदावारी ताकत का मुवाजना मगरबी यूरोप के सभी बिजली घरों की ताकत से किया जा सकता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, रूस में बहुत सी ऐसी अकवाम हैं जिनके बारे में आम आवाम को नहीं मालूम। केत कौम। केत कौम साइबेरिया में रहने वाली एक छोटी सी कौम है। केत लोगों की कुल तादाद सिर्फ 1,300 है। इनका बुनियादी काम गुलहरियों मछलियों का शिकार है। केत लोग रूस के सूबा क्रास्नोयार्सिक के देहाती इलाकों में रहते हैं। दुलगान कौम। दुलगान कौम जजीरा नुमा तामियर में रहने वाली एक छोटी सी कौम है। दुलगान लोगों की तादाद तकरीबन 8,000 है और इनके बुनियादी काम हरन पालना और शिकार हैं। वेप्सी कौम। वेप्सी फैम नस्ल की एक छोटी सी कौम है जो रूस के सूबा कारेलिया वोलोगदा और लेनिनग्राद में आबाद है। वेप्सी लोगों की कुल तादाद 6,400 है। रतोल कौम। रतोल रूस के सूबा दागिस्तान में रहने वाली कौमों में से एक है। रूस में 35,000 रतोल लोग रहते हैं और ये लोग सुन्नी मुसलमान हैं। काल्मेक कौम। काल्मेक कौम रूस में बसने वाली मंगोल नस्ल की कौम है। काल्मेक लोगों की तादाद 1,83,000 है। ज्यादातर सूबा काल्मेकिया में रहते हैं। ज्यादातर काल्मेक लोग बुद्धमत की पैरवी करते हैं। रूसी जजीरा नमा कमचातका। जजीरा नमा कमचातका रूस का इंतहाई मशरकी इलाका है जो बहुत खूबसूरत है। ये इलाका न सिर्फ अनोखी दुनिया है बल्कि जिंदा आतिश फिशानों और गर्म पानी के चश्मों के लिए भी मशहूर है। कमचातका की आबादी ज्यादा नहीं है, वहाँ सिर्फ 3,34,000 अफराद रहते हैं। कमचातका में सैकड़ों आतिशफशां हैं जिनमें से 29 जिंदा हैं और ये जजीरा रूसियों ने 300 साल कबल दरियाफ्त किया था। सियाहों को यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए इस वादी में पहुँचाया जाता है। इसका नज़ारा वाकई इंतहाई मुतासर कुन है। जगह जगह जमीन के अंदर से फवारों की तरह उबलने वाले पानी और भाप के धारे शिद्दत से निकलते हैं जो दर्जनों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और हर तरफ भाप ही भाप नजर आती है। ये अजीबोगरीब दुनिया है जो परियों की कहानियों की तरह की दुनिया जैसी है। मोहतरम नाज़रीन कराम, रूस में डाकिया का काम न सिर्फ मर्द बल्कि खातीन भी करती हैं। डाकिये ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ वसाइल इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर गाड़ियां और साइकिलें होती हैं। तहम सूबा मास्को में मारिया रबोस्तोस्वा नाम की खातून घोड़े पर सवार डाक पहुंचाती हैं। मारिया को 10 गांव में रहने वाले अफराद को डाक पहुंचाना होता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा बहुत हौसला बढ़ाता है। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।